उज्जैन नगर पालिका निगम की सीमा क्षेत्र में आने वाले मोहनपुरा गांव में ग्रामीण बेहद परेशान हैं। इनके गांव में आने जाने का मुख्य मार्ग करीब 5 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी बंद पड़ा हुआ है और यह रोड पिछले 5 महीनों से बंद है क्योंकि बारिश के दौरान इस गांव की पुलिया बह गई थी जिसकी वजह से आना जाना बंद हो गया था और अब गांव में ग्रामीण करीब 2 किलोमीटर दूर घूमकर अपने घरों और खेतों में जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार लिखित में शिकायत भी की है, समस्या से अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक पुलिया का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है और यह टूटी हुई पुलिया परेशानी का सबब बनी हुई है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कब से मार्ग अवरुद्ध है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं और क्या दिक्कत आ रही है और कहां पर है ये पुलिया? देखिए, एक क्षतिग्रस्त पुलिया थी जो बारिश में पिछले 5 महीनों से टूटी हुई है। मोहनपुरा मुख्य मार्ग को जोड़ती है बन्नेगर रोड से ये, और इसमें अभी तक इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। लोग आते हैं, कर्मचारी देख जाते हैं, चले जाते हैं। आज पिछले 5 महीनों से मार्ग पूरा अवरुद्ध है, हाईवे पे होके जाना पड़ता है, जान जोखिम पे डाल के सबके खेत पे जाने का मुख्य रास्ता ही है। ढोर वगैरह सब उधर से ले जाने पड़ते हैं जिससे ग्रामीणों को काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर कल से कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की रहेगी क्योंकि ये प्रशासन के नॉलेज में है पुलिया टूटी हुई है और वो अभी तक इसको दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। पुलिया आपने देख ही रखी है किसका क्षतिग्रस्त मार्ग है, तो इसके लिए हम प्रशासन, ये जो मोहल्ला है कौन सा मोहल्ला है और ये पुलिया किस प्रकार से डैमेज हुई थी और क्या दिक्कत आ रही है, अब क्या समस्या आ रही है? मोहनपुरा 12 नंबर रोड से लगा हुआ है जो गांव की पुलिया करीब 60 से 65 वर्ष पुरानी थी। हिरन को चूने में बनी हुई थी, सीमेंट और सरिया तो था नहीं उसमें, तो बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। हमने 2-4 बार नगर निगम में उसका आवेदन भी दिया कि पुलिया कभी भी टूट सकती है, नगर निगम ने कोई ध्यान दे नहीं पाए। और जो बारिश हुई तो नाला जो पुल आया उसके अंदर वो पुलिया बह के चली गई। गांव का मुख्य मार्ग होने के नाते पूरे गांव मोहनपुरा में सभी को बहुत दिक्कत आती है, अपने पशु को ट्रैक्टर ट्राली चाहे खुद भी सिटी आना हो चाहे खेत पे जाना हो तो सभी बहुत बड़ी समस्या है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, तो जिधर से घूम के आते हैं वहाँ पे एकदम रास्ता हाईवे पे होने के नाते 3-4 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। नगर निगम से बोलते हैं तो नगर निगम कहते हैं कि PWD बनाएगी। PWD वाले से मिले हम तो उन्होंने बोला कि हमने 60 से 65 वर्ष से पहले बनाई थी जब गांव नगर निगम की सीमा में नहीं था, अब नगर निगम के हैंड ओवर है तो हम क्यों बनाएं। इस दोनों के फचड़म में वो पुलिया अटकी हुई पड़ी है और पूरे गांव को दिक्कत है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।